हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ्रेंड कपिल गार्गी। सो आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 5 दैट इज अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। आपने अपने डेली लाइफ में भी कुछ शेप्स देखे होंगे, लाइक आइसक्रीम कोन, ये रहा आपका राइट स्क्वेयर्स, हमारी वॉल्स होती हैं, जो सीलिंग्स हमारे घर की जो दीवारें हैं वो सारी आपकी सर्कल्स देखें आपने, बैंगल्स वगैरह, सिलेंडर जो हमारे घर में होता है, स्फीयर बॉल जो हम यूज़ करते हैं। तो आज इन्हीं के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हम। सो देखिए, सबसे पहले है लेंथ क्या होती है। द डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन, ये लाइन है, इसके एंड पॉइंट्स की आप जो भी डिस्टेंस है वो मेजर करोगे वो आपकी इस लाइन की लेंथ आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमारे डिवाइसेस हैं लेंथ मेजर करने के लिए। आप कह रहे होंगे ये लेंथ कैसे, ये सर्कल की लेंथ मेजर करने के लिए राइट। सो अ ग्रेजुएटेड रूलर एंड द डिवाइडर आर यूजफुल टू कंपेयर लेंथ्स ऑफ लाइन सेगमेंट्स। नेक्स्ट क्लॉक, क्लॉक टाइम बताती है, ठीक है, अच्छी बात है। और क्या बताती है, फ्रैक्शंस बताती है और एंगल्स भी बताती है। ये रहे आपके फ्रैक्शंस जैसे आप यहां पे देख सकते हो और एंगल्स। अब बात करते हैं इसमें, व्हेन अ हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन वी हैव एन एग्जांपल फॉर एन एंगल। मतलब कैसे, अगर एक क्लॉक पूरा टर्न ले रही है आपका, यहां से स्टार्ट किया क्लॉक ने और पूरा, इससे बात करता हूं, एक कंप्लीट टर्न लेके वापस यहीं पे आ गई, तो उस केस में आपका कौन सा एंगल होता है, वन रेवोल्यूशन, और वो आपको एक कंप्लीट एंगल देता है, दैट इज 360 डिग्री। यहां पे लिख देता हूं मैं 360 डिग्री वन रेवोल्यूशन में। उसके बाद अ राइट एंगल इज 1/4 रेवोल्यूशन। ये देखिए, ये 1/4 है, अगर मैं 3 से बात करूं तो ये, अगर इतने पोर्शन की आप बात करते हो तो ये आपको राइट एंगल दे रहा है 1/4 पार्ट। सर्कल के चार पार्ट्स हो गए ना यहां से, तो ये 1/4 पार्ट है राइट। बात करते हैं स्ट्रेट एंगल, दैट इज 180 डिग्री, वो क्या होता है, इज हाफ रेवोल्यूशन। अगर ये यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से लगा लो या यहाँ से लगा लो, यहाँ से तो यहाँ तक अगर जाती है तो आपका क्या आता है, एक हाफ रेवोल्यूशन होती है, और वो आपको स्ट्रेट एंगल दैट इज 180 डिग्री का एंगल देता है। नेक्स्ट, अब ये एंगल्स को मेजर करने के लिए आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, दैट इज कॉल्ड प्रोट्रैक्टर, और आप जनरली उसको कहते हो डी, क्योंकि ये डी की शेप में भी है राइट। So we use protractor to measure the size of an angle in degree. The measure of right angle is 90 degree and hence that of straight angle is 180 degree. ये straight angle है आपका, अगर आप इसको reference लेके चलते हो reference line, तो ये आपका बनेगा यहाँ पे right angle, ये रहा, और ये आपका straight angle, और ये रहा आपका right angle. Next. अब बात करते हैं कुछ और एंगल्स की। द मेजर ऑफ अ राइट एंगल इज 90 डिग्री एंड हेंस दैट ऑफ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री राइट। यहां पे आपके डिग्रीज रहेंगी। एंड अब बात आती है एक्यूट एंगल की, ये रहा आपका एक्यूट एंगल। तो एक्यूट है, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स तीनों की बात करेंगे हम। तो पहले एक्यूट की बात करते हैं। एन एंगल इज एक्यूट इफ इट्स मेजर इज स्मॉलर देन दैट ऑफ राइट एंगल, मीन्स अगर वो लेस देन 90 डिग्री है, तो लेस देन में 89 भी अगर आ गया तब भी वो आपका एक्यूट एंगल होगा, और बाकी नीचे के तो आपको पता ही है, लेस देन 90 में सारे एक्यूट आएंगे। ऑब्ट्यूज सेम है, ग्रेटर देन दैट ऑफ राइट एंगल, अगर आपका 90 डिग्री से ग्रेटर कोई एंगल आता है तो राइट। जैसे अगर हम बात करें 110 की बात करो, आप 100 की बात करो, 90 से ग्रेटर, चाहे वो 91 भी है तब भी वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल इज लार्जर देन अ स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री से जितने भी एंगल बड़े होंगे वो सारे आपके रिफ्लेक्स एंगल में आ जाएंगे, 181, 250, 200, 230, व्हाटएवर दैट इज राइट। नेक्स्ट, सो अब हम बात करते हैं, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर लाइंस की बात करेंगे हम, और इसी का कंसेप्ट आपका अगली में यूज होगा, अगली जो स्टेटमेंट है। परपेंडिकुलर कब होंगी दो लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और 90 डिग्री के एंगल को हम स्क्वायर से डिनोट करते हैं राइट। तो अगर इन दोनों लाइंस के बीच में आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है तो आप इनको क्या कहोगे, दीज टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट, अगर हम बात कर रहे हैं द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फर्स्ट थिंग इज परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, वो आपके पास यहां लिखा है कि सच दैट द लाइन सेगमेंट डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जब वो लाइन, सपोज अगर ये आपकी लाइन है 6 सेंटीमीटर की,
ठीक है, हम इसके एक मेजरमेंट ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर। अब अगर ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में यानी कि 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर में अगर आपके डिवाइड कर दे, तो आप इस लाइन को, इस लाइन का, इसका मैं नाम दे देता हूँ ए बी, और ये लाइन ले लेते हैं हम एल। तो एल जो लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, अगर वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स की। अब साइड्स के बेस पे 3 ट्राइंगल्स बनते हैं, एंगल्स के बेस पे अगेन 3 ट्राइंगल्स बनते हैं, एक एक करके बात करते हैं। ट्राइंगल्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज बेस्ड ऑन देयर लेंथ्स ऑफ साइड्स एंड एंगल्स, राइट। पहले आपके पास साइड्स के बारे में बात है, स्केल एंड ट्राइंगल क्या होते हैं। ऑल 3 साइड्स आर अनइक्वल। जब एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपकी अनइक्वल रहें तब आपका क्या बनता है, स्केल एंड ट्राइंगल। नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस क्या होता है, एनी 2 साइड्स आर इक्वल, 3 साइड्स होती हैं ट्राइंगल की, अगर कोई भी 2 साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। नेक्स्ट बात करें इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स आपकी इक्वल हो, ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट, अच्छा एक आपके लिए बता देता हूं, यूजफुल रहेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का ईच एंगल भी 60 डिग्री आता है, डिग्री, राइट, ये याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि एंगल लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, तो एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें सारे के सारे एंगल एक्यूट हों, 90 डिग्री से लेस हों, जैसे अगर इक्विलेटरल की बात करें, इसका ईच एंगल 60 आया, बताया मैंने आपको अभी, तो इसका मतलब ये कि आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट है राइट एंगल ट्राइंगल, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, लो जी ऐसा, तब इस ट्राइंगल को, बाकी दो से कोई मतलब नहीं हमें, वो हमेशा छोटे ही होंगे 90 से। तो अगर एक एंगल आपका राइट एंगल है तो आपका वो ट्राइंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। लास्ट है आपका ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, तो इस केस में सेम, यहां से क्लियर है एक्यूट है ऑब्ट्यूज में। अच्छा ऑब्ट्यूज में एक चीज आती है कि सिर्फ एक ही एंगल ग्रेटर देन होगा 90, राइट, 100 होगा तो बाकी दो छोटे ही आएंगे, क्यों, उसका रीजन ये है कि सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो अब अगर एक, अगर आपका सपोज 100 है तो बाकी तो 100 से ज्यादा, 100 के बराबर नहीं हो सकते ना, क्योंकि 100 अगर दूसरा भी मैं 100 लेता हूं तो वो तो फिर 200 तो वही हो गए, टोटल सम जबकि 180 आना चाहिए। तो अगर इस ऑप्ट्यूज वाले केस में एक ही 100 होगा, अगर 100 मतलब कि ऑप्ट्यूज एक ही होगा, बाकी दोनों लेस देन होने चाहिए, होएंगे, होने क्या चाहिए, होंगे उस केस में, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं अब पॉलीगंस की। पॉली मीन्स बहुत सारे, अरे आपका गंस डिनोट करता है साइड्स को, सो पॉलीगंस आर नेम्ड बेस्ड ऑन देयर साइड्स, ये आपके नंबर ऑफ साइड्स। अगर किसी पॉलीगन की 3 साइड्स है तो वो आपका ट्राइंगल बनाता है, हम सबको पता है, 4 है तो क्वाड्रिलेटरल बनाता है, लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, ये सारे क्वाड्रिलेटरल में आते हैं जिनकी सबकी 4 साइड्स होती है। फिर 5 साइड वाले आते हैं आपके पेंटागन, 6 साइड होंगी जिसकी भी हेक्सागन, और 8 साइड्स होंगी ऑक्टागन। मैं आपको 8 साइड वाला एक बना के दिखा देता हूँ, देखिए जी साइड्स काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, राइट, 8 साइड्स है तो ये आपका ऑक्टागन बनेगा। ऐसे ही आप हेक्सागन बना सकते हो 6 साइड वाला, पेंटागन, सिर्फ 5 साइड्स लेनी है, उनको किसी भी ऑर्डर में जोड़ दीजिए, वो आपके ये नाम बन जाएंगे जो भी हैं, जैसे इसमें ऑक्टागन बना है। सो नाउ मूविंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट स्लाइड, क्वाड्रिलेटरल्स। अभी मैंने आपको बोला था कि क्वाड्रिलेटरल्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 5 टाइप्स बन रही है। फर्स्ट इज ट्रेपीजियम। जब ट्रेपीजियम क्या होता है, 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, जिसमें अब क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड्स, एक पेयर, जैसे अगर मैं बात करूँ ऐसा होता है ट्रेपीजियम, कुछ आपका शेप्स बदलती हैं हर बार, डिपेंड्स ऑन द मेजरमेंट्स। ये अगर मैं इसकी बात करूँ, ये देखो ये दोनों पैरेलल दिख रही है, पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो कभी मीट ना करें, ये कभी मीट नहीं करेंगी जबकि ये वाली मीट कर जाएंगी ऊपर आके, राइट। तो ऐसी साइड्स की अगर मैं बात करूँ, ये पैरेलल है, तो ऐसा जो आपका क्वाड्रिलेटरल बनेगा उसको आप ट्रेपीजियम बोलोगे। नेक्स्ट पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में कंडीशन है, कितने पेयर्स होते हैं इस पे? 1, 2, तो इसमें दोनों के दोनों पैरेलल होने चाहिए, लाइक चलो जी ये पैरेलल हो गया तो ये भी पैरेलल आएगा, राइट। नेक्स्ट रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम विद 4 राइट एंगल्स। अच्छा
आप एक रेक्टेंगल, अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल कैसा होगा, ये थोड़ा टिल्टेड है, अगर आप इसको सीधा कर दो मींस अभी इनका एंगल लेस देन 90 डिग्री है, यहाँ पे ग्रेटर देन 90 डिग्री है। जब सारे के सारे एंगल आपके 90 डिग्री हो जाए तो वो आपका राइट एंगल बनता है, ईच एंगल, सॉरी वो आपका रेक्टेंगल बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम रॉम्बस की। रॉम्बस क्या है, कहते रॉम्बस एक पैरेललोग्राम ही है टिल्टेड ही, बट पैरेललोग्राम की अगर मैं बात करूँ उसमें फिक्स नहीं है। जब आपने पैरेललोग्राम बोला है तो आप ये नहीं एज्यूम कर सकते कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी कि नहीं, बट जब मैंने रॉम्बस बोल दिया वो पैरेललोग्राम ही होगा बट उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, राइट। अब स्क्वायर इसी से बनता है, कैसे, फिर से ये टिल्टेड है, इसको सीधा कर दो, ठीक, इसी को अगर मैं सीधा कर देता हूं तो आपका एक स्क्वायर बन जाएगा। सीधा मींस राइट एंगल, ईच एंगल शुड बी राइट एंगल, और उसकी चारों साइड्स आपकी इक्वल भी होनी चाहिए, तो ऐसा केस आपका बनता है स्क्वायर का। सो के स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने एलिमेंट्री शेप्स की इंट्रोडक्शन की बात कर ली है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज की बात करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।